अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हादी। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। हमारे ट्रैक्टर के कोई हाइड्रोलिक पाइप फट गए थे, तो मैं वो बनवाने के लिए आया। यहां से वैसे बहुत महंगे मिल रहे थे, तो हैदराबाद जाने का हुआ और एक प्रेशर पाइप था बनवाने का, तो सोचा वैसे नया पाइप तो बहुत महंगा मिल रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि इसके जोड़ वगैरह कैसे लगते हैं। तो उससे वही आप एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते कि हाइड्रोलिक पाइप का ये देख सकते हैं, ये एक हाइड्रोलिक पंप है। ये डाई जो है वो दोनों पाइप के बीच में लोहे का एक वो लगा के नोज़ल, और ये है वो नोज़ल जो उसके ऊपर लगाते हैं। ये हाइड्रोलिक पंप है, ऐसे ही है जैसे ट्रैक्टर के अंदर होता है बेलारस के अंदर जो हाइड्रोलिक पंप है उसी पंप के साथ। और ये जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है और उसको प्रेस करती जा रही है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल एयर टाइट वाटरप्रूफ हो जाएगा। ज़रा से भी हवा वगैरह कोई लीकेज नहीं होगी। ऐसे ही मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर कर दें। मेरे नॉलेज में तो ये नया था, ये मैंने आज से पहले नहीं देखा था, इस वजह से आपसे शेयर कर रहा हूँ। देख सकते हैं, तो अपने ऐसे जो भी पाइप वगैरह फट गए हैं तो उसको नकारा मत कीजिए, दोबारा ये हो सकता है, दोबारा वो काम में आ सकते हैं। तो ये बताने का मकसद ये था कि जो है वो पुरानी चीज़ें जो है वो भी बहुत काम आ सकती हैं। देखें, एक तरह से वो कर दिया, अंदर एक लोहे का पाइप है और ऊपर से इसको जो हम वो प्रेस कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखें, ये हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से ऊपर आ रहा है और ये पाइप को जो है वो पंच करता जा रहा है। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन किस्म का जोड़ लग चुका है, बिल्कुल ऐसे जैसे कंपनी फिटेड है। तो ये हैदराबाद में है, आला नाका पे मेहरान इंजीनियरिंग वाले थे। किसी भी दोस्त वगैरह को हो तो उनके लिए, मेरा इनसे कोई वो नहीं है, मगर मैंने यहाँ से करवाया था तो इन्फॉर्मेशन देना बेहतर होता है हर किसी के लिए। सोचा आपको भी इसके लिए बता दूँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।